टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। तो आज सुबह ही हमने आपको एक खबर दिखाई थी तनवर नगर का, जहां MTNL का जो ढक्कन है वो करीब 1 से 2 इंच जो है नीचे चला गया, जिसकी वजह से यहां पर सुबह के वक्त जो है 2 से 3 बाइक वाले जो है यहां पर गिर गए थे, ऐसी जानकारी जो है सामने आ रही थी। उसके बाद यहाँ पर किसी ने वोटर बनो अभियान का जो है एक बैनर यहाँ पर लगा दिया था, लेकिन बहरहाल न्यूज़ चलने के बाद जो है अब मनपा के अधिकारी जो है धनंजय गोसावी यहाँ पर आए हुए हैं और वो बैरिकेटिंग यहाँ पर कर रहे हैं। दरअसल उनका कहना है कि ये यहाँ पर जो है गटर नहीं है, MTNL का ये ढक्कन यहाँ पर है। और पूरी जानकारी हम जो है मनपा के अधिकारी गोसावी सर हैं, उन्हीं से बात करते हैं। सर, आज सुबह के वक्त ही यहाँ पर 2 से 3 बाइक वाले जो है गिर गए थे, ऐसी जानकारी सामने आ रही थी, उसके बाद किसी ने वो बैनर लगा दिया। ये MTNL का कवर है, अपना नहीं है। ये मेन CC रोड पे अपना म्यूनसिपलिटी का एक भी कवर नहीं है। जो है कवर वो पानी के लाइन का है, उसके ऊपर अपन लोखंड की पट्टी डाला है, लोखंड की प्लेट डाली है। जितने भी ये RCC हेवी कवर है वो पूरे MTNL के है। बीच में भी एक मस्जिद के पास 1 महीना हो गया, ऐसे 4 बजे कवर टूट गया था सडनली। मगर उनका ना इधर ऑफिस है ना कोई उनका ऑफिसर इधर कोई देखने के लिए आता है। अभी ये 3 दिन से हम बोल रहे हैं उनको कि कवर तुम बिठा के दे दो, मगर किसी की जान नहीं जाना, बल्कि आज मैं बैरिकेटिंग करके इसको रख देता है। और ये अलग टाइप का कवर है, एक जनरल सादा कवर होता तो मैं बिठा के दे भी देता था, मगर ये हेवी कवर है और लोगों की फ्रेम में उनका फिक्स माप है उसका। MTNL के अधिकारियों से कुछ बातचीत हुई है, ऐसा कब तक बनेगा? शिंदे साहब है उनके, उनसे बोला है कि आज के आज कवर बिठा के दे दो इधर, मगर उन्होंने कल छुट्टी थी उनको, अभी छुट्टी थी नहीं, मगर छुट्टी बिट्टी नहीं बोलने का। मैं बोला कवर मेरे को सांगितला नहीं, चला बोल दिया है कि कवर बिठा के ले लो, और ये कवर अपना नहीं है। अभी कब तक चेंज हो जाएगा ये? वो MTNL का कवर है, वही अधिकारी, उनका काम है ना इसे। तो आपने सुना कि जो मनपा के अधिकारी धनंजय गोसावी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने MTNL का ये ढक्कन है और उनको सूचित कर दिया गया है। बहरहाल जल्द ही इसको जो है दुरुस्ती का काम किया जाएगा, कि क्योंकि हादसे होने का डर यहाँ पर है, इसलिए उन्होंने कहा है कि इसे जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाएगा। कैमरामैन फिरोज के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा।